मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि SSC CHSL की जो 2 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट थी वो ओवर हो चुकी है, तो इस वीडियो में हम GK के क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स डिस्कस करेंगे ताकि ये वीडियो आपकी आने वाली शिफ्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आज की शिफ्ट में पूछा गया है वो है कि IPL 2023 में ऑरेंज कैप किसको मिला था। तो IPL 2023 में ऑरेंज कैप मिला था शुभमन गिल को। इसके साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं जो IPL 2023 से रिलेटेड है। IPL 2023 किसने जीता था, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था 5वीं बार, और रनर अप कौन सी टीम रही थी, तो गुजरात टाइटन्स रही थी। ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिला था, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को मिलता है, 890 रन्स बनाए थे। ऐसे ही नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि पर्पल कैप किसको मिला है, तो पर्पल कैप जो मिला है वो मोहम्मद शमी को मिला है, सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने के लिए 28 विकेट्स इन्होंने ली है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा सिक्स किसने लगाए हैं, तो फैफ दो प्लेसेस ने लगाए हैं। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ऑफ द सीज़न कौन रहे हैं, तो शुभमन गिल ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा चौके भी शुभमन गिल ने ही लगाए हैं। बेस्ट कैच ऑफ द सीज़न कौन रहे हैं, तो राशिद खान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये पूछा गया है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल को 1956 में कौन सा प्राइज दिया गया था। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल को 1956 में पद्म भूषण दिया गया था। रुक्मणी देवी अरुणडेल का जो संबंध है वो भारत नाट्यम से है, और इन्हीं के साथ साथ इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो मिला था वो 1957 में मिला था। भारत नाट्यम से रिलेटेड जो कलाकार है वो मैंने यहाँ लिखे हैं, एकल स्त्री नृत्य है ये। भारत नाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। भारत नाट्यम का पुराना नाम सादिर है, मैंने वीडियो भी करा रखी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। इस नृत्य के जो प्रमुख कलाकार हैं वो है पद्म सुब्रमण्यम हो गए, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई, मनालिनी साराभाई, मलिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम हो गई, सोनल मानसिंह, वैजंती माला, स्वप्न सुंदरी, लीला सैमसन और बाला सरस्वती। ठीक है, मैंने आपको लर्न कराया भी हुआ है भारत से ट्रिक के नाम से। ठीक है, भारत में पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं, भारत में सारे भाई भाई रहते हैं, भारत में कृष्ण जी की मूर्ति है तो यामिनी कृष्ण मूर्ति होगी, कृष्ण जी की वाइफ रुक्मणी है, कृष्ण की लीला है, ठीक है, और बाल सरस्वती हो गया, इसके बाद हर जयंती में माला होती है तो वैजयंती माला। नेक्स्ट है शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, तो शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, तो इनका संबंध हमारा संतूर से है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, सितार से संबंधित कौन कौन से हैं, तो सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर, विलायत खान और शाहिद परवेज। सरोद से संबंधित कौन कौन से हैं, तो अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, जितने भी अली अकबर खान, अलाउद्दीन अली खान, अकबर खान, ये सब सरोद से संबंधित है। संतूर आपको पता ही चल गया, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। भजन सोपारी भी आपको आने वाली शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ है तबला, तबला के जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, गुदई महाराज, किशन महाराज और लतीफ खान। ठीक है, इसकी भी वाद्य यंत्र वाली भी वीडियो है, अगर आप चाहें तो आप स्टैटिक GK की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4, PM कौशल योजना कब शुरू की गई थी, तो PM कौशल योजना 16 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कुछ विटामिन्स के रासायनिक नाम जान लेते हैं, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम एगो कैल्सीफेरोल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टैकोफेरोल है। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्लिवलोन है। ठीक है, विटामिन बी का रह गया, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायबिन है। ठीक है, विटामिन बी के काफ़ी सारे विटामिन्स होते हैं, इसलिए इस यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि G20 के शेरपा कौन थे, तो G20 के जो शेरपा थे वो थे अमिताभ कांत। नेक्स्ट पूछा गया है कि 1909 में भौतिकी का नोबेल प्राइज किसको मिला था, तो 1909 में भौतिकी का जो नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था मार्कोनी को। ठीक है, रेडियो की खोज भी मार्कोनी ने ही करी थी। नेक्स्ट
कुछ फैक्ट्स लिख दिए हैं कि नोबेल प्राइज़ विनर्स इन इंडिया कौन कौन से हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था साहित्य के लिए 1913 में, सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स के लिए 1930 में, हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन के लिए 1968 में, मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज़ मिला था शांति के लिए 1979 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के लिए ही मिला था 1983 में। तो ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एक आर्टिकल पूछा था आर्टिकल 76, तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था, और एक पूछा गया आर्टिकल 23 जो था हमारा ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स लेबर से संबंधित, यानी मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, ये हमारा था आर्टिकल 23। कुछ हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स में इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो एसएससी पूछता है वो 4-5 डाले हैं, आने वाली शिफ्ट में मैं कंटिन्यू डालती रहूंगी। तो आर्टिकल 3 है हमारा नए राज्यों का निर्माण तथा सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन। आर्टिकल 15 है धर्म जाति लिंग पर, लिंग के भेदभाव पर प्रतिरोध, ठीक है। फिर इसके बाद आर्टिकल 16 है सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 है हमारा उपाधियों का अंत। आर्टिकल 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21A है हमारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में ऐड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ली पेंटिंग का संबंध किससे है, तो वर्ली पेंटिंग का संबंध महाराष्ट्र से है। इसके साथ हमने 2-3 पेंटिंग्स लिख दी है। मधुबनी पेंटिंग्स जो है वो बिहार से है। पट चित्रकला किससे है, तो ओडिशा से है। कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है, तो आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट पूछा गया था कि भाग 20 किससे संबंधित है, तो संविधान संशोधन से ये संबंधित है। संविधान संशोधन हमने साउथ अफ्रीका से लिए है। इसके बाद पार्ट सेकंड लिख दिया है नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11 तक है। भाग 3 फंडामेंटल राइट है 12 से 35। भाग 4 हमारे है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51, राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग 4A हमारा हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल 51A। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ये मूल संविधान में नहीं थी, इसको हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में के तहत संविधान में ऐड किया था, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन मेडलिफ की पेरियोडिक टेबल से पूछा गया था, ये मेरे को पूरी जानकारी इसकी नहीं मिली है। नेक्स्ट है भारत में 1861 में विधवा संघ का गठन किसने किया था, तो 1861 का पूछा गया है। 1861 में किसने किया था, तो एमजी रानाडे ने किया था। नेक्स्ट पूछा गया है कि बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है, ठीक है। फोक डांस से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने लास्ट में लिख दिया है। एक क्वेश्चन गोल्फ से रिलेटेड कब से था, जिसको भी पता हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इसके बाद एक पूछा गया था सत्रिया क्लासिकल डांस, किसी बच्चे ने बताया, ये कोई बच्चे कह रहे हैं नहीं आया है, कोई कह रहे हैं आ रहा है, तो इसको भी कन्फर्म कर दीजिएगा कि सत्रिया क्लासिकल डांस पूछा गया था या नहीं। पूछा गया था तो ये कहाँ का है, तो ये असम का है। इसके साथ साथ मैंने और भी लिख दिया है, भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। कथकली केरल का है। कच्ची पूड़ी कौन खाएगा, अंधा खाएगा, आंध्र प्रदेश का है। कथक हमारा है यानी उत्तर प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी ओडिशा का है, ठीक है। और सत्रिया लेटेस्ट है, जिसके जो संस्थापक है वो कौन है, श्रीमंता शंकर देव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण भारत के मंदिर के मुख्य द्वार को क्या कहा जाता है, तो दक्षिण भारत के मंदिरों के जो मुख्य द्वार है उसको गोपुरम या गोपुर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनजाति को एसटी में शामिल किया है, तो गोंड समुदाय को एसटी में शामिल कर दिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंडिको लोक नृत्य कहाँ का है, तो मुंडिका लोक नृत्य कहाँ का है, झारखंड का है। नेक्स्ट पूछा गया है एल्युमिनियम संयंत्र सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में है, तो ये ओडिशा में है, ठीक है। ये हमारा कहाँ पर है, ओडिशा में है। एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो क्या है, बॉक्साइट है। हमें इतने ही क्वेश्चन जो थे मिले थे, आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।